रोहित शर्मा की कप्तानी पर खतरा, क्या बीसीसीआई लेगा बड़ा फैसला, कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान। टी20 विश्व कप 2022 में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया को इंग्लैंड ने शर्मनाक हार देते हुए वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया है। भारत को सेमीफाइनल 2 में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टी20 विश्व कप में 10 विकेट से हारने वाली टीम इंडिया पहली टीम बनी है। आज तक कोई भी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में 10 विकेट से नहीं हारी है। यहां पर गलती किस किस को दी जाए? क्या यहां पर गलती कप्तान रोहित शर्मा की है? क्या यहां पर गलती भारतीय गेंदबाजों की है? क्या यहां पर गलती भारतीय बल्लेबाजों की है? इस हार में भारत का सबसे बड़ा विलन कौन है, ये तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन अब इस हार के बाद ये देखा जा रहा है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा गया था, जब टीम इंडिया UAE में खेले गए टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। तब भारतीय कप्तान विराट कोहली थे और मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। रवि शास्त्री ने तो पहले ही टीम के कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिया था। विराट कोहली ने भी टी20 कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन भारत की इतनी शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली को वनडे के कप्तान से भी हटा दिया गया था। तब ये कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा वो कप्तान होंगे जो हमें 2022 का टी20 विश्व कप ला के देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप और टी20 विश्व कप दोनों में खराब प्रदर्शन करते हुए बाहर का रास्ता देखा है। लेकिन अब टी20 विश्व कप में हार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी भी खतरे में है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को आने वाला नया टी20 कप्तान देखा जा रहा है। कई दिग्गज ये पहले ही बोल चुके हैं कि टी20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए। भले ही KL राहुल इस समय टी20 के उपकप्तान हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी टी20 वर्ल्ड कप में खराब रहा है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई है, तो ऐसे में उन्हें भी उपकप्तान के पद से हटाया जा सकता है। किसी युवा बल्लेबाज या गेंदबाज पर ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें, BCCI के एक अधिकारी ने इस पर अपनी बात रखते हुए जानकारी दी है। साथ ही साथ नाम बताने के शर्त पर उन्होंने कहा कि बेशक कुछ कठिन कॉल करने होंगे, ये निगलने के लिए एक कड़वी गोली है। हमने तैयारी की थी, टीम को जल्दी भेज दिया। हाँ, 2 महत्वपूर्ण चोटों ने हमारी योजनाओं को थोड़ा पलट कर रख दिया, लेकिन ये भी खेल की प्रकृति है। आप देखें तो इंग्लैंड भी जोफ्रा आर्चर या मार्क वुड के बिना खेला है, लेकिन उन्होंने आज संघर्ष नहीं किया। जहां तक कप्तानी की बात है तो ये चर्चा का विषय है, हम न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बैठेंगे। आपको बता दें, न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज को आराम देते हुए हार्दिक पांड्या को भारतीय कप्तान, तो वहीं ऋषभ पंत को भारतीय उपकप्तान के रूप में भेजा गया है। अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में मात दे दी, तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शायद रोहित शर्मा को कप्तानी से ना हटाकर उपकप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है और सबसे बड़ी गाज KL राहुल पर गिर सकती है। कप्तानी को लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया को। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें।